Walter. You sure took it like a man. Hi, Mama. Say that for you. बैठो आदाब आंटी. हाँ जी तिरो बेटा, क्या बात है, जब से जॉब शुरू किए नजर ही नहीं आती तुम. आंटी आपका शिकवा बिल्कुल जायज है, लेकिन आप अंकल से पूछ सकती हैं, मुझे ऑफिस में इतनी मसरूफियात होती है कि अपने लिए भी वक्त नहीं मिलता. अभी भी 2-3 घंटे की परमिशन लेके आई हूँ अंकल से. अच्छी बात है कि तुम अपने काम में बहुत तवज्जो देती हो, फसी बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी. लेकिन बेटा इंसान को अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, लड़कियों को ना लड़की बन के रहना चाहिए. अरे अपना ख्याल रखो, आगे जाके तुमने शादी भी करनी है, अपना घर भी बसाना है. हाँ जी आप बिल्कुल मेरी अम्मी जैसे बातें करती हैं, वो भी मुझे हर वक्त यही समझाती रहती हैं कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए. तुम्हारी अम्मी से याद आया, इश्पिता बता रही थी कि तुम्हारे मामा पापा की बनी नहीं थी और अलैदगी हो गई थी. तो बड़ी बी को ये फिक्र हो रही है कि मेरी माँ को मेरे पापे क्यों छोड़े. अगर मैंने इनको हकीकत बता दी तो शायद बाल की खाल निकालने बैठ जाए. मैं इनको घुमा देती. क्या बात है, क्या सोच रही हो? आंटी मैं क्या बताऊं, आप तो खुद माशाल्लाह से एक समझदार और शादीशुदा औरत हैं. आप मेरी अम्मी के दुख को जरूर समझ सकती हैं. मेरा बुक से दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए थे. अम्मी ने बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने तो पता नहीं क्या जादू करके रखा था अबू पे. अबू के जुल्म बढ़ते पे बढ़ते चले गए और एक दिन तो अबू ने हद ही कर दी. उन्होंने फैसला कर लिया कि वो उस औरत को घर में ले आएंगे. बस फिर अम्मी से बर्दाश्त नहीं हो सका और उन्होंने बेटा मैं तुम्हारी माँ का दुख समझती हूँ. बहुत बड़ा सदमा पड़ा होगा, इससे ज्यादा बड़ा सदमा और क्या हो सकता है कि औरत अपनी जिंदगी हर चीज कुर्बान कर दे और शौहर इतना बड़ा धोखा दे. बेचारी. मैंने कहा था ना आंटी, आप मेरी अम्मी के दुख को जरूर समझेंगी. हाँ समझ सकती हूँ उसका दुख. मिलाओ ना अपनी अम्मी से. हाँ हाँ जरूर. बड़ी दी ये गलती तो मैं कभी भी ना करूं. अगर तुम मेरी माँ से मिल ली तो तुम तो सब हकीकत जान जाओगी और मेरा सारा प्लान फेल. अच्छा आंटी अब मैं इजाजत चाहूंगी, सर ऑफिस में मेरा वेट कर रहे होंगे, बहुत देर हो गई है. हाँ बेटा जाओ, लेकिन कभी कभी आ जाया करो, बहुत अच्छा लगता है जब तुम आती हो. बिल्कुल आप अपना ख्याल रखिएगा. हाफिज जीत रहो.